इमाम सादिक अलैहिस्सलाम जब नजफ पहुंचे तो इमाम ने अपने एक सहाबी को कहा कि जाओ सहरा में और वहां पर एक बंदा आएगा, उसको मेरे पास लेकर आओ। कहता है ये सहरा में गया और तपती हुई धूप थी, वहां पर ये इंतजार करता रहा करता रहा करता रहा। इतनी धूप थी मैं बिल्कुल थका कोई नहीं, पसीना पसीना बहुत शिद्दत प्यास में निढाल हो गया। अब मैंने कहा नहीं आएगा जाऊं, लेकिन इसने कहा नहीं, इमाम ने कहा है नाफरमानी तो मुझे नहीं करनी। तो कहता मैंने इंतजार किया और इंतजार करने के बाद मैंने देखा दूर से ऊंट पर एक शख्स सवार है और आ रहा है। दौड़ा दौड़ा गया और मैंने कहा कि फर्जंद रसूल हजरत इमाम जाफर सादिक ने तुम्हें बुलाया है। इसने कहा ठीक है मुझे ले चलो। कब वहां पहुंचा और इसने सलाम अर्ज किया, इमाम के खेमे के अंदर दाखिल हुआ तो इमाम ने इसे सवाल किया कहाँ से आ रहे हो। इसने कहा कि मौला मैं यमन से आ रहा हूँ। फरमा यमन के किस कबीले से? इसने कहा फला कबीले से। तो इमाम ने फरमा यमन से यहां तक आए, नहीं यमन और इराक के बीच में अरबिस्तान है, पिछले जमाने का सफर, अल्लाह जाने कितने दिन धूप प्यास कितना अरसा और कितना सफर तुलानी तय करके करबला पहुंचा। तो इमाम ने कहा क्यों आए हो, इतना सफर तय करके यहां तक क्यों आए हो? तो इसने कहा अजूर अल हुसैन, ताकि हुसैन की ज्यारत करूं, वसल्लम अलैहि व सल्ली अंदा, हुसैन की ज्यारत करूं, एहतराम करूं, सलाम करूं और उसकी कब्र मुबारक के करीब सजदे शुक्र बजा लाऊं और नमाजें पढ़ूं। तो ये मोमिन सोचना चाहिए उस वक्त क्या करबला कोई बहुत बड़ा शहर था जैसे आज होटल्स और हर चीजें, नहीं, एक छोटी सी कब्र थी, शायद छोटी सी चार दीवारियों। इतना सफर तय करके, लंबा सफर तय करके मौला हुसैन की ज्यारत के लिए आते। इमाम ने कहा शायद इसको कोई हाजत हो। तो इसने कहा कोई किसी हाजत की वजह से करबला, यानी कुछ मांगना चाहते हो? इसने कहा नहीं अपना रसूल अल्लाह, बस हुसैन की ज्यारत के लिए आया हूं। तो इमाम ने फरमा इतने शौक और जोक से आए हो? तो इमाम ने कहा कि क्यों इतने शौक और जोक से आए जब तुम्हें कुछ चाहिए भी नहीं, कोई हाजत भी नहीं है? तो इसने कहा यह ज्यारत मेरी दुनिया और आखिरत के लिए मुफीद है। मौला इतना पढ़ा लिखा तो नहीं, मुझे इतना फलसफा नहीं पता, लेकिन इतना मुझे पता है कि आका हुसैन की जो ज्यारत है मेरी दुनिया और आखिरत के लिए। इमाम उजीदों का क्या मैं तुझे ज्यादा बताऊं इस ज्यारत के सवाब के बारे में, कितनी अफजल है? तो कहता जी मेरे मौला बताए। इमाम फरमाते हैं जो ज्यारत हुसैन करता है वो एक हज और एक मकबूल उम्र से, और वो उम्र जो उसने रसूल खुदा के साथ किया हो। ये ताज्जुब करता, कहता मौला इतना सवाब है, यानी एक मकबूल हज और वो उमरा और हज जो रसूल खुदा के साथ किया हो। तो इमाम फरमा एक हज का नहीं, दो हज और दो उम्र। इसने ताज्जुब के इमाम ने कहा तीन हज और तीन उम्र। इसने ताज्जुब के इमाम ने कहा चार हज उम्र। यहां तक इमाम के इमाम फरमाया 120 हज और 120 उम्रों का सवाब है जो इमाम की ज्यारत के लिए आता है। तो आज दुश्मन सुन ले, कितना भी गुरूर और तकबर करें, इस गुरूर और तकबर जो अल्लाह के सामने बंदा करता है उससे कुछ नहीं होता। और फरमाया अगर इंसान सवाब ज्यारत अहले बैत रसूल खुदा मदीने की सवाब का ज्यारत अगर जान जाए तो अगर कांटों की चादर भी हो उस पर भी चल के जाएगा और ज्यारत अहले बैत में शामिल हो जाएगा। तो ऐजान मोहतरम ये कुरान फहमी की बातें हैं। ये इंसान अगर अपने अमल को जान ले तो इंसान अल्लाह से दूर नहीं होता। जिन्होंने कुरान फहमी तदब्बुर तफक्कु को छोड़ दिया, अखलाकियात के दायरे से निकल गए, उन्होंने जनाब हमजा की कब्र को ख़राब किया, उन्होंने जन्नतुल बकी में रसूल खुदा की औलादों की कब्रों को ख़राब किया, ये उनको नुकसान नहीं पहुंचा रहे, ये तकब्बुर है परवरदिगार आलम के सामने है। वही तकब्बुर जो शैतान ने किया वो भी लानती बना, ये भी अल्लाह की लानत रोज़ाना ले रहे हैं। और दुआ है कि एक वो दिन खुदा हमें नसीब करे दिखाना कि हम अपने आका इमाम ज़माना के ज़हूर को देखें और पूरी इस कायनात में अदल की हुकूमत कायम और हुकूमत इलाही का परचम लहराना।